नमस्कार शिक्षकों, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ शिक्षक साथी, खास करके जो किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं और एक संघर्ष मोर्चा के जो संयोजक बने हुए एक विधायक जी हैं, वो लगातार विभागीय परीक्षा को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। और उनकी जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और ये जो बयानबाजी हो रही है इससे शिक्षकों में एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। ऐसा संदेश जा रहा है मानो कि शिक्षक आपस में ही लड़ रहे हैं, शिक्षक संगठन आपस में ही लड़ रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि सभी शिक्षक संगठन आज की तारीख में एकजुट हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके क्रेडिट लेने के चक्कर में या फिर अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई उस पर क्या कुछ बातें हुई, ये सबके पास अब सबके सामने स्पष्ट हो चुका है, किसी से कोई बात छिपी हुई नहीं। लेकिन उसके नाम पे जो बयानबाजी की जा रही है, जो तरह तरह के कह लीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उनके माध्यम से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो मीडिया इंटरव्यूज में जो कुछ कहा जा रहा है, वह कहीं से भी शिक्षक संघों के अनुकूल नहीं है। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सरकार के पास बहुत गलत संदेश पहुंचता है। क्योंकि खास करके जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं, वो जो भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर देते हैं, जो भी स्टेटमेंट टीवी मीडिया को देते हैं या यूट्यूब चैनल्स को देते हैं, उन सबको विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा सुना जाता है, वो सुनते हैं और उसको सुन करके एक आकलन करते हैं कि अभी शिक्षकों में ये स्थिति चल रही है। और ये जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव होकर के, चाहे विभागीय परीक्षा की बात हो या वरीयता की बात हो, इसको लेकर जो सोशल मीडिया पे लड़ाई एक तरह से छिड़ी हुई है, ये कहीं से भी शिक्षकों के हित में नहीं है। क्योंकि इस लड़ाई का नाजायज फायदा सरकार को मिलेगा। वो आपने कहावत सुनी होगी कि दो बंदरों की लड़ाई में फायदा तीसरे को मिलता है, वही हालत हमारी हो जाएगी। हम वरीयता और विभागीय परीक्षा के बीच की लड़ाई में उलझ के रह जाएंगे और फायदा सरकार को पहुंच जाएगा। इसलिए जो कोई भी साथी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है और सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आपसी एकजुटता बनाए रहें। अभी सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, जरूरत पड़ने पे हमें फिर से आंदोलन करना पड़ सकता है, जरूरत पड़ने पे हमें सबको एक साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ, हो सकता है ऐसी परिस्थिति बने कि हमें फिर से कोई मुहिम चलानी पड़े। और वैसी परिस्थिति से पूर्व अगर हम सभी संगठन या शिक्षक आपस में ही उलझेंगे, लड़ेंगे, तो क्या एकजुटता संभव हो पाएगी? सबने अपने अपने हिसाब से लॉबिंग की, रणनीति बनाई, प्रभाव डालने की कोशिश की, और किसने क्या किया किसी से छिपा नहीं है। मुझे भी बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे कुछ से कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन मैं कहीं किसी का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं सबको केवल ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। कई सारे मीडिया चैनल्स ने भी मेरा इंटरव्यू मांगा और मैंने सबको केवल ये कहा कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, अभी अंतिम निर्णय कुछ नहीं आया है, इसलिए हमारी ओर से भी कोई अंतिम अभी स्टेटमेंट नहीं जाएगा। तो इतनी बात को समझने में सभी संगठनों को या सभी नेताओं को, सभी शिक्षकों को क्या दिक्कत है? हम लोग कुछ दिन धैर्य रख करके वेट एंड वॉच की स्थिति में बने रहे, जब अंतिम निर्णय आएगा, एक निष्कर्ष आएगा कि हाँ सरकार ने ये फैसला लिया है, तो उस वक्त हम लोग उसका आकलन करेंगे कि हमारे कितना हित में है नहीं है। अभी से ही सार्वजनिक तौर पर इस तरह की लड़ाई लड़ना कहाँ तक उचित है? मेरी नजरों में ऐसा जो भी कर रहे हैं वो शिक्षकों की एकता को तोड़ने के लिए कर रहे हैं और इसका फायदा सरकार को पहुंचेगा। वो सरकार के तरफदारी में जा रहे हैं, शिक्षकों के हितैषी वो नहीं है जो इस तरीके से शिक्षकों को आपस में लड़वा रहे हैं। हम लोग एकजुटता बना के रखें ताकि सरकार में कहीं यह संदेश नहीं जाए कि शिक्षकों में विभेद है, क्योंकि सरकार में जैसे ही यह संदेश जाएगा कि शिक्षकों में विभेद है, सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी, लाभ उठाएगी और हो सकता है हमारे लिए कोई बहुत कठिन प्रक्रिया तय कर दी जाए और हमें उसे बचना है। हमारी बार बार यह अपील रही है, बार बार यह कोशिश रही है कि 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको एक समान सुविधा मिले, सबको अवसर मिले, सब राजकर्मी बने। लेकिन अगर ज्यादा आपसी बहस करेंगे, ज्यादा आपसी मतभेद रखेंगे, सरकार वहां पर हावी हो जाएगी। अभी शिक्षक संगठन हावी हैं सरकार पर और ये आपसी लड़ाई और फूट और मतभेद का फायदा उठा करके सरकार हम पर हावी हो जाएगी। तो इससे हमें बचना है, सरकार को हम पर हावी होने नहीं देना है। हम एकजुट रहें,
तभी सरकार हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और जल्द से जल्द निर्णय लेगी। अभी तो कमेटी भी नहीं बनी है, कमेटी बनने की बात हुई, कमेटी बनेगी, उसके सुझाव आएंगे, उस पर कैबिनेट डिसीजन लेगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन उससे पूर्व ही जो आपसी खींचातान चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई चल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम सभी शिक्षक हैं और हम सभी एकजुट हैं। एकजुटता के साथ हम शिक्षकों के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। हमने पूर्व में भी साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी, आगे भी मिलकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। एकजुटता बनी रहनी चाहिए। सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल लिखने से, कमेंट करने से कोई महान नेता नहीं बन जाएंगे या हमें सरकार कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं दे देगी। जब उचित वक्त होता है तो हम लोग भी सरकार पर हमले करते हैं या सरकार से लड़ते हैं, लेकिन आपस में लड़ने से, आपस में इस तरह की बयानबाजी करने से किसी का भला नहीं होने वाला है। इसीलिए मेरा सभी शिक्षकों, नेतृत्वकर्ता साथियों एवं माननीय विधायक जी जो कि किसी एक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बयानबाजी बंद कीजिए। विभागीय परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये कमेटी तय करेगी। कमेटी को तय करने दीजिए और कमेटी जब तय करेगी तो फिर शिक्षक संगठन आपस में बैठ करके उस पर निर्णय लेंगे। एक सरकार में शामिल सत्ताधारी दल के विधायक कौन होते हैं ये बताने वाले विभागीय परीक्षा देकर के ही आप राजकर्मी बन सकते हैं? इस तरह की बयानबाजी आपसे बिल्कुल हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप बयानबाजी करें। आप इस तरह की बयानबाजी करके सरकार को फायदा उठा पहुंचा रहे हैं, तो कृपया करके इस तरह की बयानबाजी बंद कर दें। विभागीय परीक्षा होगी नहीं होगी, आप हैं क्या उस कमेटी में? जो कमेटी बन रही है उसमें आईएएस पदाधिकारी रहेंगे, वो मिल बैठ करके तय करेंगे और उस पर हम लोग फिर देखेंगे क्या करना है। शिक्षक संगठनों की बैठक होगी। सरकार के एजेंट के तौर पर आप कम मत कीजिए, शिक्षकों में आपसी मतभेद मत फैलाइए। और शिक्षकों से भी अनुरोध है कि उनके झांसे में मत आइए। जो भी संगठन उनके झांसे में आज तक बने हुए हैं, हम सबसे अनुरोध है, हमने देख लिया कि वाम दलों के विधायकों ने क्या किया वहां मीटिंग में, क्या प्रस्ताव रखा, क्या सरकार को बरगलाने की कोशिश की, किसी से छिपा नहीं है, सब जान रहे हैं। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। इस तरह के जो आपसी मतभेद वाले जो संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। एकजुटता का संदेश जाना चाहिए, क्योंकि जितने हम आपस में बटेंगे, जितना हम आपस में फूटेंगे, सरकार उतनी ज्यादा मजबूत होगी। और जितनी ज्यादा सरकार मजबूत होगी, हमारे राजकर्मी बनने का जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, उतनी ज्यादा कठिन हो जाएगी। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। कोई भी साथी, चाहे वो आम शिक्षक हो कि नेतृत्वकर्ता हो कि कोई विधायक हो, MLC हो, कृपया करके ऐसी बयानबाजी नहीं करें, अन्यथा शिक्षक समाज सब देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि हम इस तरह की बयानबाजी करके क्रेडिट लूट लेंगे, ये क्रेडिट नहीं मिलने वाला, आप डिसक्रेडिट हो रहे हैं। शिक्षक आपसे बहुत नाराज हैं। विभिन्न जिलों के ग्रुपों में मैं देखता हूं किस तरह की बयानबाजी से बहुत आक्रोश है, शिक्षकों के पीछे नाराजगी है। कृपया इस बात को समझें और इस तरह की बयानबाजी बंद करें। एकजुट बने रहें, हम सभी एक साथ राजकर्मी बनेंगे और अवश्य बनेंगे। धन्यवाद। इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।